1 नवंबर को प्रदेश के 38 जनपदों जिसमें गोरखपुर भी शामिल है, जिसमें टीबी की बीमारी के लिए सक्रिय सघन अभियान चलाकर उनका खोज किया जाएगा, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1 नवंबर को प्रदेश के 38 जनपदों ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि हमारा यह अभियान 10 दिवसीय चलेगा। इस अभियान में हम गाँव गाँव जाकर हमारी टीम किस वक्त को खांसी और ज़्यादा दिन में बुखार आ रहा है उसकी तलाश की जाएगी और उसका उपचार कराया जाएगा। साथ ही जो टीबी के मरीज मिलेंगे उनके भरण पोषण के लिए 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया, 1 तारीख से हमारे जनपद में, उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में जिसमें गोरखपुर भी है, एक्टिव केस फाइंडिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी के लिए सक्रिय सघन अभियान चलाकर उनका खोज किया जाएगा। और पहले भी ये कार्यक्रम चला है, ये पहले 2 तारीख से होना था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को लखनऊ से इन 38 जनपदों के लिए शुभारंभ कर रहे हैं, तो इसको अब हम 1 तारीख से शुरू करेंगे और ये हमारा 10 तारीख तक चलेगा। और इसमें हम गांव-गांव जाके हमारी जो STLS हैं, STs हैं, LTs हैं, ये केसेस को खोजते हैं आशा के माध्यम से, NM के माध्यम से, कि किसको बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, 15 दिन से ऊपर की खांसी है, वेट लॉस हो रहा है, तो उनका हम स्पुटम कलेक्ट करके चेक करते हैं और चेक करके अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है इसका निःशुल्क इलाज दिया जाता है और जो केस ट्यूबरकुलोसिस डिक्लेयर होते हैं उनको 500 रुपया भरण पोषण का भी हम महीने में उनके खाते में डायरेक्ट DBT ट्रांसफ़र के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में भेजते हैं। साथ ही साथ अगर कोई हमें नोटिफाई करता है कि अमुक व्यक्ति को ये सिम्टम हैं और उसको टेस्ट करने पे वो TB पॉजिटिव आता है, तो हम उस नोटिफाई करने वाले, बताने वाले चिकित्सक, प्राइवेट हो सरकारी हो, प्राइवेट को, सरकारी को नहीं, प्राइवेट चिकित्सक को भी हम 500 रुपये उसके नोटिफिकेशन के लिए देते हैं। तो ये व्यवस्थाएं हैं और इसी को सक्रिय रूप से चेक करने के लिए हम लोग ये अभियान चलाएंगे।